शुरू कर रहा है। हाँ ओ जांजना, मैं तो एक काम करता हूँ, ओ जांजना बना रहा है तो जा शुरू कर, तो जैकेट नहीं ला ले। हाँ मेरे बॉडी दिखा रहा है, कुछ नहीं होता, ठीक लगेगा, कर दे अपने यार व्यूअर्स के लिए। हेलो दोस्तों, जैसे आज आप सीख रहे हो, अरे जा चला एक मिनट में यार, आज ओ जाना सीख रहे हो, इससे किस्सा बताता हूँ, मुझे अभी भी याद आ गया। तो 1998 में आई थी, 98, ठीक है। तो ये मूवी आई थी प्यार कदम डरना किया, तो काफी सलमान खान ने काफी बॉडी दिखाकर क्रेज पैदा कर दिया था लोगों में। तो इन भाई साहब को भी क्या हुआ था, काफी बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे, तो जब भी एक प्ले हो रहा था ना टीवी पे, बर्थडे पार्टी में कहीं पर भी, तो भाई साहब अपनी टी शर्ट शर्ट उतर कर नाचने लगते थे, और बिलीव करो उस टाइम इनकी सिक्स पैक एब्स हुआ करती थी। जाए यार बड़े हो गए तो शायद हो गए यकीन। तो चलो कोई नहीं, मैं कहना मैंने कमेंट्स कर रहा हूँ, उतार दो भाई कुछ नहीं, दर्शक इतना प्यार करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, और इंजॉय करो आप अपना लेसन, मिलेंगे बाद में, निकाल दो ना, अरे कुछ नहीं होता, सिखा जा तू, जा चलो ओके। तो फाइनली लेसन शुरू करते हैं हम, ठीक है। बोल कर चला गया है काफ़ी कुछ बॉडी दिखाने के लिए, तो चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेसन पे फोकस करते हैं, ठीक है, थीके? चलो तो लेसन शुरू करते हैं, पहले परफॉर्मेंस थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। देसी गिटारिस्ट और आज सिखाने जा रहा हूँ, काफी फेमस गाना है, प्रसिद्ध गाना है, कौन सा गीत है ये है प्यार क्या तो डरना क्या फिल्म से, ओ ओ जाने जाना सीखेंगे, ठीक है। चलो सीखना शुरू करते हैं और मैं जूम करवाता हूँ ये। तो दोस्तों लेसन शुरू करते हैं और कोशिश करना ये अंत तक लेसन देखने का, पूरा वीडियो देखना ये वाला, क्योंकि मैं बताऊंगा जो जहां पर डिफ़िकल्टी होने वाली है, आप लोगों को परेशानी होने वाली है प्ले करने में, तो थोड़ी सी उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आप देख लो, सेवंथ फ्रेट से ये शुरू है, फर्स्ट फिंगर है मेरा सेवंथ फ्रेट पे और डी स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग पे, और जब हम इसे स्लाइड करते हैं तो सिक्स से सेवन पे करते हैं और तीन बार प्ले करते हैं, आप देखो ऐसे, उसके बाद है नाइन्थ फ्रेट जी स्ट्रिंग पे नीचे, फिर फर्स्ट फिंगर, ये थर्ड फिंगर है इस पे, फिर फर्स्ट फिंगर, तो हमारा हो गया फिर उसके बाद टेंथ फ्रेट पे आ जाता है ये हमारा फोर्थ फिंगर डी स्ट्रिंग पे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट देख लो कितना हो गया स्लो, अब सेकंड सीखते, तो सेकंड हमारा शुरू है पार्ट
पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाते हूँ, तो ऐसे ही सीखो, पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो जब तक आपका अच्छा हो जाता है। अब सेकंड पार्ट, तो मेरा सेकंड पार्ट कहां से शुरू है, जी स्ट्रिंग पे, सेवंथ फ्रेट पे, तो फिर मैं देखो कहां जाता हूं, नाइन पे जाता हूं, डी स्ट्रिंग पे, दोबारा इसके बाद मैं क्या करता हूं, स्लाइड करता हूं, स्लाइड डाउन, ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, इसके बाद पुल ऑफ करता हूं मैं। जिसको ये टेक्निक्स नहीं आती, स्लाइड, हैमर ऑन, पुल ऑफ, वो देख ले, मेरे लेसन मौजूद है। इसके बाद कोशिश करो कि दोनों पार्ट्स पहले प्ले कर लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट, तो फिफ्थ फ्रेट पे है, डी पे, फिर डायरेक्ट थर्ड फिंगर इस पे, सेवन नाइन्थ पे, चार बार है, तो देख लो, फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तो सबसे मुश्किल यही बजाने में होगी, तो लेकिन इसका क्या है, फोर्थ पार्ट है ये, तो थर्ड पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट यहां तक है, इसके बाद रुक गया, फोर्थ पार्ट है, तो मैं इस पे नहीं मारता कुछ भी, सिर्फ ये पुल ऑफ करता हूं, हैमर ऑन एंड पुल ऑफ, अप आता है, अब देखो ये डाउन अप, मेरा अल्टरनेट पिकिंग भी चलता है इसमें, तो इसके बारे में बताता हूं, सिर्फ आपको इसमें ही दिक्कत होने वाला है, फिर दोबारा ये यहां से दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हमारा सेकंड फिंगर आता है यहां तक, तो देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दिखाऊंगा, तो ये शुरू हो जाता है, मतलब कहीं रुकते नहीं है, सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत है, आपको बता देता हूं एक बार और, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख लो आप, इतना है सिर्फ, सारा खेल हाथ का है, टाइमिंग का है, टिन 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 टिन। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा, और इसका क्या ट्रिक है मैं बताता हूं, ट्रिक क्या बोलूं, टिप्स बोल देता हूं, तो आप एक तो प्लेक्ट्रम अच्छा सा यूज करें, पतला यूज करें निकालने के लिए, और थोड़ा सा टाइट वाला यूज कर ले जिससे साउंड अच्छा है, और क्या करें, राइट हैंड का भी इसमें बहुत काम है, जो ये बंदा निकाल लेगा ना अच्छी टाइमिंग पे, तो वो समझ लेना थोड़ा सा अच्छा प्ले करता है, ये काफी मुश्किल या मेहनत के बाद निकाल पाओगे आप, मैं पहले ही बता रहा हूं, इतना तो निकाल लेते हैं हर कोई, तो प्रॉपर आवाज आना चाहिए, लीड गिटार पे है वो, तो इस पे भी काफी साउंड सेम सेम मैच मैच कर रहा है, ठीक है, तो और दूसरा क्या है, देखो जैसे कि कोई सोचेगा ये भागने वाला, तो बिल्कुल ओरिजिनली साउंड करता है ये, आप मैच कर सकते हैं गाना सुनकर, और एक चीज और बता देता हूँ, जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था गाना सुन रहा था प्रैक्टिस करके, तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो यूट्यूब पे जो टी सीरीज वालों ने, उनका म्यूजिक है इस कंपनी का, तो उन्होंने जो वीडियो डाला हुआ है ओ जाने जाना का, तो उसमें क्या है, उस वीडियो में ए शार्प माइनर इस पे निकाला हुआ है, तो एक मतलब हाफ स्टेप ऊपर गाया है, प्ले किया हुआ है और ऊपर गाया हुआ है,
इस पे है। अब जब मैंने सावन ऐप पे ये इसका गाना सुना तो वो ए माइनर पे है, तो इस पे था वो ए शार्प, तो वो हाफ स्टेप नीचे था। तो ये मैटर करता है कि आप कौन सा म्यूजिक ऑडियो ट्रैक सुन रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब रिकॉर्डिंग होती है म्यूजिक की तो दोनों स्केल में कि हाफ स्टेप ऊपर और हाफ स्टेप नीचे प्ले करवा लेते हैं इंस्ट्रूमेंट और गाना गा लेते हैं, तो जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर डाल देते हैं। तो आप नोटिस करना जो सावन पे ये गाना है ओ जंजना, वो हाफ स्टेप नीचे है और जो उस पे है वो हाफ स्टेप ऊपर है। ठीक है, तो देखना आप। तो इसलिए मैंने इस वाले का बताया। तो कुछ नहीं होता, जिसको कानों में लग रहा हो वो यहाँ से थोड़ा सा बस वो सिक्स की जगह सेवन फ्रेट से स्लाइड करें एट पे, बाकी पूरा सेक्शन फिंगर्स का सेम रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा पूरा। ठीक है, तो बाकी ज्यादा फैमिलियर ये है तो ये वाला मैंने सुनाया है। बाकी आप देखना, नोटिस करना। तो और क्या मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसका एक चीज और बता देता हूँ। ऐसे भी प्ले कर सकते हैं अगर जिनको भागना नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी जगह ये उतना साउंड अच्छा नहीं जा रहा, तो आप यहां पे जा सकते हैं। तो देखो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखा, लेकिन सबसे बेस्ट है वो यही है जो आई एम श्योर कि जो प्ले किया हुआ है और निकाला गया वो यहीं से निकाला गया, जो इलेक्ट्रिक गिटार पे निकाला गया वो यही है। एक बार आपका हाथ सेट हो गया तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो दोस्तों, आपको ये लेसन भी आ गया होगा। जिसको नहीं आया यार, मेहनत करते रहो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, सब कुछ हो जाएगा। तो आप मेहनत से ही होता है, बाकी निकाल लोगे। जिसमें मैंने बता दिया आपको मुश्किल आने वाला है वो यही पार्ट है। इस पे बार बार आपको कम से कम एक डेढ़ महीना प्रैक्टिस करना है लगातार हर रोज, तो आपसे निकल जाएगा बिल्कुल परफेक्ट ट्यून। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसे करते हो आप। और मैंने बताया कि इसका राइट हैंड का इसमें ज़्यादा वो है, तो आप देखो हाथ कितना उठाना है कितना नहीं। माइंड में गाना और धुन बार बार सुनना फिर प्रैक्टिस करना, पहले स्लो करो ऐसे प्रैक्टिस करो, यही है यार टिप्स जो है। आप लोग सोचते हो कि ये नहीं होता होगा, लेकिन यकीन मानो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना कोई नहीं बताएगा ये चीज़। तो और आप अप्लाई करोगे अपने पे भी तो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, एक बार में नहीं होगा। जैसे कि मैं काफ़ी वीडियोस में शुरू में बताता था, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, दस बार नहीं होगा, सौ बार नहीं होगा, 500 बार नहीं होगा, 1000 बार करोगे तो आई एम श्योर हो जाएगा। तो एक एक दो दो घंटे लेके बैठे रहो, लेकिन मेक श्योर कि पहले स्लो प्रैक्टिस करो। इसका भी देखा करो, डाउन अप चलता है। तो इस वाली पे जो आता हूँ ना मैं, वो अप मारता हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए हो गया होगा, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और सभी प्ले कर लो। मैं तो चाहता हूँ ये धुन, इतना प्यारा गाना है। तो सब्सक्राइब करो जिसको करना है, और जिसको नहीं करना है वो तो यकीनन करो, क्योंकि आगे हो सकता है आपकी पसंद का गाना मैं डाल ही दूँ रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट यार काफ़ी लोग करते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से कहते हैं नए गाने नहीं बनाते, पुराने बनाते हो। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके का
सॉन्ग डालूँ मैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, जैसे भी मौका मिलता है, मैं पुराना गाना, नया गाना सब कोशिश करता हूँ। तो आप बस लुत्फ उठाओ, इंजॉय करो, जो भी मैं लेसन डाल रहा हूँ देखो, मज़े करो, जो आपके काम का है सीखो उसे, नहीं तो सुनो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी जल्दी जल्दी लेसन लाने की, और सब कुछ सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर भी ज़रूर करो, और मिलते हैं फिर अगले लेसन पे किसी पे, ठीक है। चलो खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।